हिंदू धर्म और महिलाओं के श्रृंगार को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षिका के खिलाफ हिंदूवादी नेता और महिलाओं ने न्यू आगरा थाने पर प्रदर्शन किया। हिंदूवादियों ने शिक्षिका और उस गोष्ठी में बैठे पदाधिकारियों के खिलाफ तहरीर दी है। उनका कहना है कि शिक्षिका ने सनातन धर्म और करोड़ों महिलाओं का अपमान किया है। हम क्यों ऐसे जानते हैं हिंदू धर्म को, हम क्यों माने जिस धर्म ने लोगों को बड़े अवस्था में बांट, ऊंच नीच के पायदान में बांट दिया कि आप ऊंचे हो एक नीचे हो, तो ऐसे धर्म को हम क्यों माने। थाना न्यू आगरा के कंपोजिट विद्यालय की शिक्षिका उषा सेंगर का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो 7 जुलाई को गोरखपुर में शिक्षक गोष्ठी का था। इसमें वो कह रही हैं कि हम एक क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी विचारधारा एक नहीं है। हमारे घर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और फोटो लगे हैं, जिस धर्म में लोगों को वर्ण व्यवस्था में बांध दिया, ऐसे धर्म को हम क्यों माने, ऐसे मंदिर में हम क्यों जाएं। मंदिरों में जाने पर हमें मारा जाता है और पीटा जाता है, तो हम क्यों जाएं? ऐसे मंदिरों को लात मारो और जूता मारो। वो महिलाओं से कहती हैं कि आपके पास जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं, उन्हें छोड़ना होगा। सिंदूर भरना, चूड़ी पहनना और बिछुए पहनना गुलामी की निशानी है, इन्हें छोड़ना होगा। हमें बाबा साहब और बौद्ध भगवान को मानना होगा। गोष्ठी में आगरा के शिक्षक नेता भीष्म पाल व अन्य शिक्षक भी दिख रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद बुधवार को हिंदू महासभा की महिला पदाधिकारियों ने शिक्षिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। थाना न्यू आगरा में महिला शिक्षिका के खिलाफ तहरीर दी है। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष मीना दिवाकर ने कहा कि शिक्षिका ने हिंदू धर्म को मानने वाली करोड़ों महिलाओं की भावनाओं को आहत किया है। महिलाएं अपने सुहाग की निशानी के रूप में सिंदूर, बिछुए, चूड़ी पहनती है और ये शिक्षिका उसे गुलामी की निशानी बता रही है। जैसे कि जो ये टीचर हैं सरकारी, इनने जो हिंदू रीति रिवाज को जो गाली दी है, एक नारियों को गाली दी है, उनके श्रृंगार को गाली दी है, उससे हम काफी आहत हुए हैं, यानी कि हमको काफी ठेस लगी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, भारत में रहने वाली नारी, हिंदू रीति रिवाज में शादी करने वाली नारी, जिसके श्रृंगार को गाली दे रही है, उसको हिंदू रीति रिवाज में भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी उनने ये कहा है 3 दिन का टाइम दो हमें, हम इसमें जांच करेंगे और जांच करके आपको FIR कॉपी दे देंगे। अब उनका एक कहना और है कि अगर कहीं FIR नहीं हुई है तो हम आपको FIR करके इसकी कॉपी दे देंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट का कहना है कि हमारी मांग है कि शिक्षिका के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। जिन लोगों को भी सनातन धर्म से दिक्कत है, वो कहीं और जा सकते हैं। वीडियो में महिलाओं के बारे में और हिंदू संस्कृति के बारे में गलत अपशब्दों का प्रयोग किया, तो सबसे पहले मैं भारत माता को साक्षी मानते हो, हम लोगों ने, हिंदू महासभा ने धरती माता को चूमा और हमने धरती माता से कहा कि हम बारंबार इसी धरती पर पैदा हो, हिंदू कोख से पैदा हो, सनातन धर्म में पैदा हो। और हाँ, हम लोग कहते हैं कि हमें घमंड है हिंदू सनातन धर्म में, और गर्व से कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि अगर शिक्षिका के खिलाफ कहीं और FIR दर्ज नहीं होगी तो यहां पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं शिक्षिका ने अपने बयान पर माफी मांगी है, उनका माफी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।